हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन, और आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा क्रैश कोर्स है वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा, बट कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये शुरू नहीं हो पाई। बट इससे आपको कोई चिंता होने की बात नहीं है, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है कि क्रैश कोर्स में मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, आपको मैंने पढ़ाई पर फोकस रखना है। वीडियो थोड़ा सा देखिए लेट से बन रही है, तो अब मैं क्या करूँ इसके लिए, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, बट मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे भी बहुत सारा काम रहती है ना, इस कारण से वीडियो नहीं बन पाए। लेकिन मेरा यही ट्राई रहेगा कि इस महीने के भीतर भीतर CBSE और BSEB यानी कि बिहार बोर्ड और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। 15-15 दिनों में पूरा फुल्ली सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर 1 दिसंबर से मुझे सेट सॉल्व करवाना है, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्रैश कोर्स का डे 1 है, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वास्तविक संख्या के बारे में। तो मेरा मकसद ये फ्रेंड्स कि एक वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करवा दूं, ताकि आपका जो चैप्टर है बहुत ही बारीकी से अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये देखिए वीडियो 1 घंटे का भी बन सकता है, आधे घंटे का भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, वो मुझे नहीं पता कि कैसा वो मतलब वीडियो बन सकता है, कितना लेंथ का वीडियो बन सकता है। बट आपको बस एक चीज़ से मतलब होना चाहिए कि मैं जो सिखा रहा हूँ उसको आपको अच्छे से दिमाग में भेजना है, ठीक है। और अगर आपको सही में समझ में आती होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि मेरा एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मैं एक अलग तरीके से आपको समझाने का बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज क्लास। तो एक बात और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि पढ़ने से पहले, ठीक है, चैप्टर में क्या है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा वो जान लेते हैं, और कहते किसको क्या है, बस हल्का सा मतलब कि नॉलेजेबल चीज़ कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करना शुरू किया जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ध्यान में क्या रखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझे लिए कि आप बहुत सारा मैथ बना सकते हैं एक चैप्टर से जुड़ा हुआ चीज़ में, समझे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो पहला टॉपिक क्या आता है यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? अब देखिए कहा जाता है कि ज्यामिति के फादर कौन है, तो ज्यामिति के फादर है, ज्यामिति के जनक कौन है, तो वह यूक्लिड को कहा जाता है। तो हम लोग इनका ये प्रमेयिका क्यों पढ़ रहे हैं, इनका प्रमेयिका इसलिए पढ़ रहे ताकि मसापा निकालने का एक नया तरीका सिखाते हैं, समझे। हमको मसापा ही निकालना है, लेकिन इनका तरीका हल्का सा अलग है। जो हम लोग बचपन में सीखे थे ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही चीज़ हमको यहाँ पर भी यूज़ करना है। अब देखिए कि ये प्रमेयिका काम कैसे करता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, तो इनका देखिए जो रूल है ना वो इस पे काम करता है, जो हम लोग बचपन में ही सीख चुके थे कि भाज्य बराबर। अभी देखिए मैं आपको हिंदी मीडियम में सिखा रहा हूँ, तो सब कुछ मैं आपको हिंदी में बोलूँगा। जब मैं सिखाऊंगा इंग्लिश मीडियम वाले में तो आपको मैं फिर इंग्लिश में बोल के समझाऊंगा, ठीक है। देखिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, ये भाजक गुना भागफल। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भाज्य गुना भागफल प्लस यहाँ पे हो गया शेषफल। अब बताइए क्या ये फॉर्मूला बचपन में नहीं पढ़े हैं, उसी चीज का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इनका जो यूक्लिड का जो नियम है वो यही कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, एक चीज इनका ये मानना है कि इन्होंने क्या किया था कि भाज्य को मान लिए ए, भाज्य को क्या मान लिए ए मान लिए, और भाजक को मान लिया उन्होंने बी, ठीक है। भागफल को मान लिया उन्होंने क्यू, और शेषफल को मान लिया आर, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक शर्त दे दिया, वो शर्त देखिए उन्होंने क्या दिया कि आर का जो मान होता है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। जो शेषफल है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समझे बात को। जो शेषफल है या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। और दूसरा नंबर चीज की जो बी है, बी मतलब क्या, भाजक यानी जितने बार में कटता है, समझाता हूँ आपको, उसे छोटा होना चाहिए। इन्होंने ये शर्त रख दिया, बोले कि अच्छा इसे शर्त पे आपको जो काम करना है, क्या काम करना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जो r का जो मान है, r मतलब होता है शेषफल, इंग्लिश में बोले तो रिमाइंडर, रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल कहते हैं। तो जो r हो गया वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और b से छोटा होना चाहिए। अब देखिए अगर 0 से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर 0 के बराबर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और अगर बी से अगर बड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको भाग नहीं आती है, तभी ना बी से बड़ा हो रहा है। ऐसा कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आपको समझ में आ गया, अब समझिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
अब मान के चलिए कि मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एक, मान लीजिए लेके चलता है ठीक है 135 225, तो क्या करता है 135 से 225 को भाग लगाता है, ठीक है भाग लगा दिए। अब देखें तो 225 क्या हो गया, जिसको हम भाग लगा रहे हैं उसी को ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। सबसे बड़ा नंबर को भाज्य कहते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको भाजक कहते हैं। यानी ये हमारा एक ए हो गया 225, 135 हो गया बी। अब जितने बार में हमारा यहाँ पे कटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, यानी कि कोशेंट यानी कि भागफल कहेंगे। अब देखिए काटिए, तो एक बार में क्या हो जाता है, ये कट जाता है 135, कितना आएगा ये 0, और यहाँ पे हो गया 22 में से 13 गया 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ठीक है, 90 आ गया। अब ये बताइए 90 ये हो गया क्या, हमारा भागफल हो गया। तो देखिए बी का मान क्या है, बी का मान 1 आ गया, क्यू का मान क्या, सॉरी B का मान देखिए 135 हो गया, Q का मान क्या हो गया 1 हो गया, और R कितना हो गया 90 हो गया, ये वाला हमारा 90 हो गया R, ये वाला हमारा Q हो गया। अब देखिए शर्त में क्या था कि जो R का मान है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो 0 का देखिए बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शर्त में क्या है कि B से छोटा होना चाहिए, B हमारा देखिए 135 है, 135 से छोटा आ रहा ना, यही हमारा कहता है यूक्लिड का नियम। और हम लोगों को यहाँ पर इस मैथ में इस चैप्टर में ये बोला गया है कि आपको यूक्लिड के नियम से आपको मसापा निकालना है, आप जो नॉर्मल तरीका सीखे हैं उससे नहीं निकालना, आपको आपको यूक्लिड के तरीके से आपको मसापा निकालना है। तो बस एक काम हो गया है, अब आगे बढ़ते चले जाना है। अब इसी चीज़ को जो देखिए हम लोग यहाँ पे किए हैं, इसी को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप में आपको दिखाना पड़ेगा, ताकि इससे क्या हो जाएगा कि अंत में जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे शेषफल 0 आएगा, आपका वहाँ पे वो आंसर चला आएगा। बस इसमें इतना ही काम, ठीक है हम करके दिखाते हैं। हो गया यहाँ पे, तो हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे यूक्लिड के प्रमेय से, ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं बी क्यू प्लस आर, ये जानते हैं। ए हम लोग कितना मान लें 225 मान के चले, सबसे बड़ा नंबर है, इज इक्वल टू बी कितना हो गया जिससे भाग लगाते हैं 135, 135 से भाग लगाए हम गुना क्यू, क्यू देखिए आया 1, 135 का पहाड़ जब एक बार पढ़ते हैं और उसमें जब शेषफल को जोड़ते हैं 90, तो मेरे जा कर क्या था 225, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इन दोनों में देखना है 135 और 90, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 135 बड़ा नंबर है, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे समझिए, तब क्या हो जाएगा जो 135 है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, 135 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाग, भाज्य हो जाएगा मेरा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 135, हमको शेषफल को 0 लेकर के आना है, 0 जैसे ये हो जाएगा समझिए कि आपका ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 से भाग लगाते हैं, 90 क्या हो गया, देखिए 90 हमारा बी हो गया, इस बार 90 बी हो गया और 135 ए हो गया, 90 से भाग लगाते हैं, एक बार में कटेगा कितना आ गया 90 हो गया, यहाँ बचेगा 45, यहाँ पे कितना हो गया 90 गुना 1 प्लस हो गया 45। अभी भी देख रहे हैं कि मेरा जो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, फिर इससे भाग लगाते हैं, हम लोग नॉर्मली ऐसे ना करते हैं मसापा, उसको देखिए मैं आपको दो तरीके से दिखा रहा हूँ, एक यहाँ पे नॉर्मली मैं समझा रहा हूँ ताकि इससे आप रिलेट करके कि इससे कैसे सॉल्व हो रहा है यूक्लिड का नियम में, वो आपको समझ में चला है आसानी से। अब देखिए अब इन दोनों में देखना कि कौन सबसे बड़ा नंबर, देख रहे हैं 90 है, अब इस बार ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 90, और जिससे भाग लगाते हैं उसको बी बोलते हैं, तो बी हमारा क्या हो जाएगा 45, अब बी से भाग लगाइए तो 45 गुना 90 पूरा पूरी कट गया, शेषफल आ गया 0, यानी कि 90 जो आया 45 गुना 2 प्लस 0 आ गया, है ना 0। अब इतना तीनों जब इतना सॉल्व करने के बाद जैसे ही मेरा शेषफल 0 आता है, शेषफल जैसे ही 0 आता है, तो लास्ट बार में मेरा जो भाजक है वही आपका मसापा कहलाएगा, यानी कि लास्ट बार में 45 से ना भाग लगाए थे, तो मेरा यहाँ पे मसापा कितना कहलाएगा, वो कहलाएगा 45। इस तरीके से आपको जो सॉल्व करना है यूक्लिड के नियम वाले मैथ में, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में चला आ जाए, बस ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दिया हुआ ठीक है। आप आगे देखिए, यदि कोई आपको दो नंबर दिया जाए, दो संख्या दिया जाए, बोला जाए कि दो संख्याओं का लसापा मसापा और इसमें से दो संख्याओं में से पहली संख्या दी हुई है तो आपको बताना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, या फिर उसी में घुमा फिरा के कुछ भी देगा तो आपको उसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो देखिए फॉर्मूला आपको ये कहता है लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए यहाँ पे ए और बी को देखिए यहाँ पे कॉमा में क्यों लिखा गया है, इसलिए देखिए मैंने आपको दिया ए हो गया पहली संख्या और बी हो गया दूसरी संख्या, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए फ्रेंड्स, और हो सके तो उसका फेयर भी करते रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है। दूसरी संख्या आ समझ में, ए हो गया पहली संख्या, बी हो गया दूसरी संख्या,
तो दो संख्याओं का क्या करना है, लसा को मौसा से गुना कर देना है और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देना है। अब यहाँ पे घुमा कर कुछ भी देखे पूछ सकता है। कभी कभी आपका देखे लसा दिया रहेगा, मौसा दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा, बोलेगा दूसरी संख्या निकालिए। कभी कभी आपको दोनों दिया रहेगा, दिया रहेगा दूसरी संख्या, और बोलेगा आपको पहली संख्या निकालिए। कभी कभी आपको ये भी बोल सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और लसा पर दिया हुआ है तो आपको निकालना है मौसा। तो कुछ भी दिया रहे इन चारों में से, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि इन चारों का बात हो रहा कहीं भी, तो हम लोग को ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है कि x बराबर पी बाई क्यू रहने पर, अच्छा हाँ यहाँ पे दो टर्म देखिए आता है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और आपको ये भी पता होगा कि अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, लेकिन नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वैसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसको हम बटा बाई जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त वहाँ पर ये होना चाहिए कि जो क्यू है वो पूरा पूरी जो है, लेकिन क्यू से पूरा पूरी जो पी है कट जाना चाहिए। क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान रूट में नहीं होना चाहिए, क्यू का मान मतलब कि ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिससे वो पूरा पूरी कटे ही ना। जैसे मान के चलते एग्जांपल में, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे मान के चलते एग्जांपल में यहाँ पे कि हम यहाँ लिखे हैं 1/5, ठीक है। अब देखिए भाग लगाइए 5 से, तो बोलें क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है परिमेय संख्या। आप बोले कि सर तो बोले हैं परिमेय संख्या उसको बोलते हैं वैसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का जो मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। शर्त तो सही है, पी बाई क्यू यानी पी बाई क्यू, तो पी का मान 1 हो गया, क्यू का मान 5 हो गया, और ये जीरो भी नहीं है तो 5 है, तो ये बोलेंगे परिमेय संख्या है। तो बोलेंगे हाँ है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त, छोटा सा शर्त है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो शर्त देखिए ये है कि जब 5 इसको भाग लगाते हैं 1 को, कटेगा नहीं, पॉइंट लगाने को 0, 5 × 10 कट गया, तो ये पूरा पूरी नंबर कट जाना चाहिए। अगर पूरा पूरी कट जाता है तो ही बोलेंगे परिमेय संख्या है, अगर नहीं कटेगा तो कभी नहीं बोलेंगे परिमेय संख्या है। अब बताइए कि 1/3 को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं? आप बोलेंगे कि वो तो देखिए पी बाई क्यू के रूप में है, क्यू का मान 0 से बड़ा है, 3 दिया हुआ है, क्या परिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? तो 3 से देखिए भाग लगाते हैं, उसको कटेगा नहीं, पॉइंट लगाते 0 आ गया, 3 × 9, फिर 0 आया, 3 × 9, मतलब कि बार बार ये क्रम चलता चला जाएगा, और ये 3 करके कितना भी आप 3 लिखते चले जाइए ये कभी भी ज़िंदगी में कटने वाला नहीं है, समझे। तो हम लोग इसको परिमेय संख्या कभी नहीं बोलेंगे, जब पूरा पूरी वो कट जाएगा तो ही बोलेंगे परिमेय संख्या, अदरवाइज ये परिमेय संख्या नहीं है। वही देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि पी बाई क्यू रहने पर, और आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बढ़ा दिया गया है कि क्यू का जो मान है वो 2 और 5 के पावर में होना चाहिए। क्यू का पावर देखिए एम दिया हुआ, यानी कि 2 में होना चाहिए, और 5 का पावर एन दिया, यानी कि वो 5 में होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ भी लिखे हैं, यहाँ देखिए लिखते 20/ यहाँ मान लीजिए हम लिखते हैं 1/50 लिखते हैं, ठीक है। अब 50 का जब हम करते हैं गुणनखंड तो क्या आता है, 2 × 2 = 4, 2 से 25 हो गया, 5 × 5 इतना हो गया, तो देखिए 2 × 5 × 5, तो देखिए 2 भी है 5 भी है, है ना। अगर सिर्फ पूरा पूरे 2 रहता या फिर पूरा पूरे नीचे में 5 आता सॉल्व करने पर, या फिर 2 और 5 दोनों मिला हुआ है, तब जा करके हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, इसका प्रसार जो होगा वो शांत होगा, या फिर एग्जाम में पूछता है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। तो आपको बस यही ध्यान में देना है, क्या ध्यान देना है कि नीचे वाले का जो नीचे में देखिए जो क्यू दिया हुआ है, क्यू पे कुछ तो वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, 20, 40, 50 और कुछ तो लिखा हुआ रहेगा, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना है। उसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं, गुणनखंड जब उसका कर लेते हैं, तो सॉल्व करने के बाद अगर उसका जो आंसर आता है, गुणनखंड जो आता है वो 2 और 5 के गुणनफल के रूप में अगर आ गया, तो समझिए कि वो दशमलव जो प्रसार है वो शांत हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो जाके कट जाएगा। शांत होने का मतलब क्या हो गया कि वो पूरा पूरी कहीं ना कहीं पर जाकर के कटना ही कटना है, ठीक है। और अगर नहीं कट रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 गुना देखिए, अगर 2 × 3 रहता है, 2 × 3 रहेगा, तो भी ये दशमलव प्रसार शांत होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? शर्त में आपको क्या ध्यान रखना है कि या तो पूरा पूरी 2 होना चाहिए, या फिर पूरा पूरी 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए। वहाँ पे कोई 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कुछ कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा सा आप वो भी जान लीजिए, फिर मैं आपको मैथ से अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से। और हाँ फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिए कि मुझे समझ में आ रही है, और ये भी कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में नहीं आ रही है,
तो जिसको जहाँ पर समझ में नहीं आ रही है आप वो कमेंट कीजिए कि मुझे इस जगह पर समझ में नहीं आ रही है, और जिसे समझ में आ रही है वो कमेंट कीजिए कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। तब उसी के हिसाब से मैं अपने लेवल को और आगे बढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से मैं समझाने का और कोशिश करूँगा। समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था परिमेय संख्या के बारे में, कि जिस संख्या को हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर जो q का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए उसको बोलेगा परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का भी सेम फॉर्मूला सेम डेफिनेशन है कि ऐसी संख्या जिसको p बाई q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर q का जो मान है वो जीरो के बराबर तो नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेम है, लेकिन वहाँ पर एक अंतर क्या है कि वो कभी भी पूर्ण नहीं होना चाहिए, वो संख्या जो है हमेशा कभी ना कभी रूट में होना चाहिए या फिर नीचे में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो पूरा पूरी कटता ही ना हो। तो समझ में आ गया, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब देखें यहाँ पे एक चीज, हाँ आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि यदि हम लोग परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो हमारा कौन सा आंसर आता है? आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। यदि परिमेय में अपरिमेय को मतलब कि देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, इन दोनों को अगर आप आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका जो आंसर आने वाला है ना वो अपरिमेय संख्या ही आने वाला है। तो यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हैं, समझने के लिए मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चल सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है ये एक ऐसा कलंक है कि जिसके साथ वो जुड़ेगा उसको भी कलंकित कर देगा, समझे। तो अपरिमेय संख्या जिसके साथ भी देखे जुड़ जिस भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ता है, घटता है, गुना होता है या भाग होता है, उसको भी क्या कर देता है? अपरिमेय कर देता है। तो कलंकित ना हुआ एक प्रकार से कि एक कलंकित इंसान जिसके साथ भी रहेगा उसको भी कलंकित इंसान माना जाएगा ना, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी समझ कर रखना है। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, क्लियर हो गया ऐसा मैं मानता हूँ। अब फटाफट कुछ क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ बारी बारी से, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे फटाफट हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहाँ पे 255 और यहाँ पर देखे दिया हुआ 897 897। और सवाल में बोला गया है कि इस क्वेश्चन को आपको जो यूक्लिड प्रमेयिका से है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसे ना निम्न का मौसा यूक्लिड विधि से ज्ञात कीजिए, आपको पूछेगा एग्जाम में। तो क्या करने, मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिखना, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको पूरा पूरी फुल्ली नंबर मिलेगा, क्योंकि ये मैथ है फ्रेंड। मैथ में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट दिखता है कि आप बना क्या रहे हैं, आप दे क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर देखिए ये वाला है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना a बराबर 897 और b यहाँ पे कितना हो गया 255 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अच्छा माना मत लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा दिया है, अच्छा रहेगा दिया है, मान थोड़ी रहता दिया हुआ पहले से a का मान या b का मान, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं यूक्लिड के नियम से, तो लिखते हैं यहाँ पे यूक्लिड के यूक्लिड विधि से, उतना हार्ड विधि से मैं नहीं चलूँगा, बस शॉर्ट में लिखना है यूक्लिड विधि से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ठीक है यूक्लिड विधि से हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स, ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, है ना, जानते हैं यूक्लिड विधि में हम लोग। अब यहाँ पर ये भी जान गए कि ए का मान हो गया 897 और B का मान हो गया 255, लेकिन हमको अभी भी Q का मान नहीं पता है और ये R का मान नहीं पता है, तो क्या करना, साइड में भाग लगाना है, और क्या साइड में चेक कर लेना है, 255 से क्या करते हैं 897 को भाग लगाना है। तो करिए भाग, दो बार में आएगा 500 समथिंग, तीन बार में आएगा 700 समथिंग, तीन बार में चेक करते हैं, 3×5=15 बचा 75 लिखोगे 76, तीन बार में कट जाता है, तो तीन बार में कितना देखे हो गया 3×5=15 हो गया, बचा 3×5=16 बचा 3×2=6 लिखो गया 7, कितना आएगा 2 यहाँ पर, यहाँ देखिए आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 132, ठीक है। तो देखिए 3 आ गया यहाँ पे, तीन बार में कट रहा था, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कितना लिखाएगा 3 लिखा जाएगा, गुना 3 हो गया और यहाँ पर जो शेषफल कितना हो गया 132 हो गया। अब जहाँ तक मुझे ये लगता है कि इसके आंसर वाले आने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करना अगले चरण में, अब लिखते हैं यहाँ पे दूसरे चरण में, यहाँ उतना झमेला मुश्किल है, देखिए इतना काम हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये ना बड़ा नंबर है, इसको यहाँ उतार दें 255 को, 255 यहाँ उतार दें,
आज दोनों में छोटा कौन था, बस इसी दोनों को ध्यान देना है। 132 से छोटा है तो 132 से भाग लगाना होगा। अब क्या करना है, 132 से 255 का भाग लगाते हैं, एक बार में कट जाएगा 132, कितना आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 12, 123 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भाग लगा एक बार में तो कितना आ गया, 123 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी भी पूरा पूरी नहीं कट रहा है, अब क्या करते हैं, अब इसको इसको भाग लगा के चलते हैं। अब यहाँ पे ए का मान क्या हो गया, 132 हो गया, और यहाँ पर हो गया बी का मान 123 हो गया। 123 से भाग लगा देते हैं, यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो यहाँ से करते हैं तो कटेगा एक बार में 123, कितना आ जाएगा ये 9 बार में कटेगा, तो गुना यहाँ पे हो गया 1 और शेषफल आ गया 9। अभी भी देखिए 0 नहीं आ रहा है, अब 9 से भाग लगाना है 123 को, तो देख रहे क्या यहाँ पे कि 9 123 यहाँ लिखना पड़ेगा, 123 जो है वो देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, बराबर हो गया 9 से भाग लगा तो 9 गुना कितना, 9 एकदम 9 हो गया, 33 बचेगा यहाँ पे, फिर 9 चौके 36, 9 के 27 हो गया, यानी कि 5 आएगा। तो यानी यहाँ पे कितना हो रहा है, 13 बार में जब जाता है तो यहाँ पे कितना आता है, 5 आता है। इसका आंसर पता है 1 ही आने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए 5 आ गया, 5 से लगाना 9 का भाग, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 9 बड़ा तो 9 यहाँ लिखाएगा, 5 यहाँ लिखाएगा, तो 5 से करते हैं भाग, तो कितना आ गया, 5 से कम 5 प्लस 4 हो गया, अभी भी नहीं कट रहा तो 4 से करते हैं भाग, तो कितना हो जाएगा ये, तो 4 से भाग करते हैं तो कितना लगेगा, 4 गुना 1 प्लस 1 हो गया, और लास्ट में यहाँ पर आ गया 1 से, तो 1 से भाग करने पे कितना हो जाएगा ये 1 गुना 4 प्लस 1 हो गया, 0 हो जाएगा रिमाइंडर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा, 0 आ गया लास्ट में, 0 कब आया, जैसे ही हमारा यहाँ पे 1 आ गया। देखिए कुछ ऐसा अटपटा सवाल रहता है जहाँ पर जब नहीं कटता ना तो वहाँ पे 1 आ जाता है आंसर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरा मसा का वैल्यू कितना आया है, मसा यहाँ पर 1 आया, समझ गया। अब देखिए आप तो बोले कि सर हम कैसे समझेंगे एग्जाम में, अगर वहाँ पे 1 आता है मेरे से तो क्या गलती हो सकता है, तो हाँ वहाँ पे आपको थोड़ा गलती हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी दे देता है ना कि आपको कन्फ्यूज़ कर देता है। देखिए यहीं पे हम लोग बचपन में हम लोग इतना चीज़ सीख लिए हैं अभी तक कि किसी में भी 1 नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 1 आया मतलब कि हम कहीं कुछ ना कुछ गलती किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको जो है चेक कर लीजिएगा, कभी कभी आपको जो है ना ऐसा क्वेश्चन घुमा के ही देता है ताकि वो चेक करना चाहता है कि आपको अच्छे से आता है कि नहीं आता, समझे। अब देखिए मैं आपको एक मैथ और लेके चलता हूँ, देखिए उसमें सेम तरीके से बन जाएगा, ये छोटा सा मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, यूक्लिड विधि से सब सेम ही रहेगा ये सर। तो आपको क्वेश्चन देने वाला को दिमाग को समझना है कि कभी कभी जो आपको फंसाता है, ठीक है, आपको बस इतना ही काम तो करना है, और यहाँ पे चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कितना लेके चलो बताइए, 156 और 504 लेके चलते हैं, ठीक है, 156 और 504 दोनों में बड़ा कौन है, 504 बड़ा तो एक का मान हो गया 504, छोटा 156 है यहाँ पे लगा दिए। हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये ना होता है, तो ये हो गया बड़ा, यानी 504 यहाँ पे हो जाएगा, भाग लगा रहे 156 से, 156 यहाँ पे हो गया, गुना करना है, भाग लगाते हैं 156 से, तो कितने बार में कटेगा ये, 15 चौके 60, 3 बार में 15 45, 3 और लेके चलते 3 छके हो गया 18, बचेगा एक 45 हो गया 46, तो 3 बार में कट जाएगा ये, कितना का देखिए शेषफल, 14 में से 6 8 गया बचेगा 6, और यहाँ पे 9 में से 6 गया बचेगा 3, और यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, 8 से 14 6 9 10 4 1 5 36 हो गया, 36 शेषफल आ गया 36। अब क्या इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा है 156, उसको लगाना एक ही जगह पे, छोटा देखिए 36 है, 36 को यहाँ लगाते हैं गुना, अब 36 देखिए भाग लगाते हैं, 36 दुनिया होता है 72, 72 दुनिया 144, यानी कि 36 चौके होता है 144, यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया, तो अगर 36 गुना 4 प्लस 12 हो गया। अब इन दोनों को लेके चलते हैं, 36 से 12 में दोनों बड़ा कौन है, 36 देखिए बड़ा है, 12 देखिए छोटा है, तो 12 से भाग लगाते हैं 12 गुना, अब 12 से 36 कितने बार में कट जाए, तो देखिए पूरा पूरी कट जाता है ना 3 बार में, तो 12 गुना 3 प्लस 0 हो गया। अब यहाँ पर मेरा जो शेषफल है वो 0 आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा मौसा को हो जाएगा वो मौसा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, मौसा इज इक्वल टू 12। आप ऐसे बना दीजिएगा आपको पूरा पूरी नंबर मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसी में देखिए आपको देगा 3 नंबर वाला, यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा दिया, ठीक है, एक नंबर यहाँ पे और बढ़ा दिया, तो क्या करेंगे, बस देखिए आंसर 12 आ गया ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है
अगर बढ़ा दिया तो मसा को देखिए आपको जो आंसर निकल के आ रहा है उसको मान लेना है बी, क्योंकि छोटा नंबर है ये बी, और अब इसको मान लेना है 785 को ए मान लेना है। अब फिर से वही काम लगाना है कि हम जानते हैं कि यूक्लिड की विधि से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, फिर वहाँ पर दोनों को सॉल्व करके चले जाना है। तो अगर आपको तीन नंबर का ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे तीन नंबर देखिए दिया हुआ है तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले दो को सॉल्व करेंगे फिर आगे दो को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, फटाफट समझिए क्योंकि टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है। एक और बात फ्रेंड्स, अभी देखिए क्रैश कोर्स में क्या है कि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अभी जितना भी मेहनत कर रहा हूँ आपको वो सफल में समझ में आ ही रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपके बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, काम बन गया। उसमें चार ही क्वेश्चन दिया आप चारों को ही प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन हाँ हर एक लाइन को ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे कैसे बना रहे, कैसे कैसे मेरा हर एक लाइन सॉल्व होकर के आ रहा है, तभी आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल बैठेगा, तभी वो काम एग्जाम में आपका आएगा, समझे बात। अगर आप एग्ज़ाम से दो दिन पहले पढ़ोगे तो आपको वो काम कभी नहीं आता ज़िंदगी में, एग्ज़ाम में तो कभी काम आएगा ही नहीं, आपको एग्ज़ाम में वही चीज़ याद रहता जो आप उससे दो तीन महीने जब फ्री माइंड से पढ़ते तब आता है। आप एग्ज़ाम के समय जो पढ़ देते हैं ना एक घंटा पहले दो घंटा पहले कि हाँ पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, वो दिमाग में रहता ही नहीं है कुछ भी। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिया मुझे पता अच्छे से, आप जब पहले पढ़े रहते हैं फ्री माइंड से आपके दिमाग में वही रहता है, उस समय जब आप पढ़ते टेंशन वाले दिमाग से तब सब दिमाग में रहता ही नहीं है, भूल जाते हैं सब चीज़, समझे। तो आपको दिमाग में यही चीज़ रखना है कि अभी आपको जो समझ में आता है अभी ही आपके पास टाइम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, जो भी डाउट है क्लियर अभी कर लीजिए। अगर आप उस दिन सोचेंगे कि नहीं अभी जो छूट जा रहा बाद में कर लेंगे ना क्या दिक्कत है, तभी आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझे। अब देखें यहाँ पे सेकंड में क्या है, अब देखिए सेकंड में आपको ये बोल सकता है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, तो गुणनखंड ज्ञात करना देखिए मान लीजिए बोलेगा तो कैसे निकालना, 36 का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, तो कितना होगा यहाँ पे 2 × 2। मैं आपको पूरा पूरी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्रैश कोर्स का मतलब मुझे तो इतना ही पता है कि पूरा चैप्टर को एक बार में समझाना, मुझे ये पता है, और भी अच्छे तरीके से समझाना ताकि स्टूडेंट के दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ बैठ जाए, मुझे ये पता है क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है, बाकी का तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कितना होगा 2 × 2 × 3 × 3 होगी बस, तो यदि आपको किसी का भी बोलेगा गुणनखंड ज्ञात करें या भाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, बस आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। यहाँ पे देखिए एक नया टॉपिक ये निकल के आता है, वो बोला गया क्या यहाँ पे गुणनखंड का वृक्ष बनाना है, गुणनखंड वृक्ष तैयार करना, नया नया कॉन्सेप्ट है डाल लीजिए। तो अगर देखिए आपको बोलेगा गुणनखंड का वृक्ष बनाना, तो देखिए कैसे बनाना है, तो हम लेके चलते एक नंबर जो देखिए यहाँ पे दिया 324 का बनाते हैं गुणनखंड वृक्ष, सबसे आसान है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, बीचों बीच यहाँ पे आपको लिखना 324, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे दो ठो इसका शाखा बनाना है, बनाइए शाखा, एरो मत लगाइए, तो नॉर्मली यहाँ भाग करेंगे वहाँ लिखते जाए ना, दो से कट जाता है ना, तो कटेगा 162 बार में दो से, लिखेंगे दो यहाँ पर लिखेंगे 162 यहाँ पर। अब बड़ा दोनों में कौन है, ये ना बड़ा है, अब इसका शाखा बनाते हैं, देखिए दो से काट रहे 162 में काटने वाले हैं, दो से कटेगा 81 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे दो यहाँ लिखेंगे 81, ये देखिए दोनों में ये बड़ा है तो इसका यहाँ पे शाखा बना रहे हैं, इस तरफ पर जो देखिए नंबर आएगा वही आपका गुणनखंड कहलाएगा, और देखिए आपका ये वृक्ष बन रहा है क्योंकि वृक्ष का सबसे ऊपर देखिए ऐसा होता है बाकी इसमें सब शाखा बना हुआ रहता है, इस कारण से इसका नाम हो गया गुणनखंड वृक्ष। 3 से कट जाएगा 27 बार में, यहाँ पर लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे 27, ठीक है। अब देखिए 27 भी कटेगा 3 से 9 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे 9, और 9 भी कटेगा 3 से 3 बार में, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे भी हो गया 3, ठीक है। अब लास्ट में एक बचता तो वह हम नहीं लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरफ से इस किनारे में जितना भी जो नंबर दिया हुआ है वही क्या हो गया 2 × 2, फिर 3 × 3 × 3 × 3, यानी 4 को यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनखंड वृक्ष बोलेंगे, मतलब कि आपको नॉर्मली यही काम करना है, गुणनखंड ही निकालना है, बस आपको हर एक स्टेप को एक वृक्ष के रूप में ऐसे करके दिखा देना है, समझ गए। आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी बोलता है कि इसका घात बताना है, इसका पावर में क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पे ये भी पूछता है,
देखें आप एक सवाल देखकर दिया हुआ है कि 2880 में, ठीक है, एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि 2 का घात क्या होगा, यानी 2 का पावर क्या होगा। तो आपको उस केस में क्या करना है पता है, इसका भी आपको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। बस क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। और कोशिश आपको ये करना है ना कि जिसका भी घात निकालने बोल रहा है आपको उसी से भाग लगाना है। लेकिन इस सवाल में बोला गया है कि 2 का घात क्या होगा, है ना, 2 का घात लिखें, आपको 2 से ही हर बार भाग लगाने का कोशिश करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको बोलता है कि 2 से नहीं, बोलता है यहाँ पे कि 2880 में 5 का घात क्या होगा, 5 के घात को लिखें, तो आपको यहाँ पे 2 से भाग नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे 5 से भाग लगाना है, ठीक है। घात का मतलब कि 5 कितने बार रिपीट करता है। तो देखिए सवाल में यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो हम 2 से सॉल्व करते हैं। 2 से कटेगा 1440 हो गया, 2 से कटेगा 720 बार में, 2 से कटेगा 360 बार में, फिर 180 बार में, फिर देखिए 90 हो गया, फिर 45 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 का यूज़ कहीं हो ही नहीं रहा, तो हमसे बोला गया है इतना कि 2 का घात क्या होगा। तो 2 कितने बार देखिए रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का घात क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा। आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा 6, वहाँ पे आपको करना टिक, समझ गए। अब देखिए एक सवाल ये भी देखिए दिया हुआ, वो आप खुद सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे तो मैसेज समझ में अच्छे से आ जाएगा कि हाँ आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें जो है 5 का पूछा कि 5 का घात क्या होगा, ये मैं आपको टास्क देता हूँ, बताइए कि इसमें कितना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट का जो मैथ है उसके तरफ, चलिए फटाफट समझिए। और अब देखिए अब यहाँ पे सवाल में क्या है, SCF रिलेशनशिप लेकर चलते हैं, बयान, हाँ 92 हो गया, 510 हो गया, फाइंड SCF एंड LCM यूजिंग गुणनखंड। अब देखिए यदि आपको सवाल में बोलता कि यूक्लिड विधि से मसापन निकालिए, तो आपको जो मैंने आपको समझाया था सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको वैसे बनाना था। लेकिन यहाँ पर आपको जो सवाल में क्या बोल रहा है कि गुणनखंड के विधि से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको SCF और LCM दोनों निकालना है। तो गुणनखंड तो मैंने आपको भी सिखा ही दिया कैसे करना है, अब आपको वहाँ से निकालना है SCF और LCM, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, तो पहले निकाल लें यहाँ पर 92 का गुणनखंड, और फिर यहाँ निकाले 510 का गुणनखंड। तो 2 से कटेगा ये 46 बार में, फिर 2 से कटेगा 23 बार में, और 23 जो क्या होता है 92, 23 किसी से कटता ही नहीं है, 510। 2 से कटेगा 256, 255 बार से कट जाएगा, 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 11, 2 5 10 हो गया, 255 बोले ना 255 हो गया, फिर 5 से कटेगा ये 51 बार में, यानी कि 2 × 5 × 3 × 17, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे आ रहा, तो यहाँ पर मेरा लसा पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए LCM सही है ना, 5 10 3 30 17 51, और यही से आपको निकालना है बस, कितना आसान है। अब देखिए इसका बोला गया लसा पर निकालिए, लसा पर का रूल क्या होता है, LCM का रूल क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है वो भी आपको लेना है, जो नहीं मिल रहा उसको तो लेना ही लेना है। देखिए दोनों में ये वाला 2 मिल रहा है, दोनों में से हम 1 तो 2 उठा लेते हैं, क्या ये वाला 2, हाँ और कुछ मिल रहा है तो पूरा लेना पड़ेगा, क्या ये 2 मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा, 2 लेना पड़ेगा, 23 मिल रहा है यहाँ पे नहीं मिल रहा 23 लेना पड़ेगा, 5 मिल रहा नहीं मिल रहा इसको लेना पड़ेगा, 3 भी नहीं मिला लेना पड़ेगा, और लास्ट में 17 भी लेना पड़ेगा। गुना करके जो आता लिखता जाएगा आराम से। सबसे मुझे अच्छा लगता पता है क्या, SCF। SCF में क्या है, जो दोनों में मिल रहा आपको बस वही लेना है, दोनों में क्या मिला, सिर्फ 2 ही मिला हमको, तो बस यहाँ पर 2 ले लेना हो गया आंसर, समझे। इसके ऊपर एक मैथ है मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको लेके चलता हूँ, तो वो है 12 15 21, ठीक है, तो छोटा सा नंबर 3 डिजिट का है, 12 15 21, ठीक है। तो पहले 12 का निकालना है, कितना आएगा, 2 × 2 × 3 आएगा, 15 का कितना आएगा ये, तो 3 × 5 आएगा, और 21 का कितना आएगा, तो देखिए 3 × 7 आएगा,
यहाँ पर आपको निकालना है HCF और यहाँ पे भी आपको निकालना है LCM। अब देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, जो तीनों में मिलेगा हमारा HCF कहलाएगा। तो एक दो तीन, तीनों में मिल गया तो हमारा हो गया HCF। और कुछ मिल रहा तीनों में? और कुछ मिले ही नहीं रहा, छोड़ देना है। LCM में क्या, जो तीनों में मिल रहा वहां से आपको एक उठा लेना है, और जो नहीं मिल रहा वो भी आपको उठाना पड़ेगा। दो गुना दो तीन उठाना पड़ेगा, फिर ये पाँच हो गया और यहाँ पे सात हो गया। कितना है गुना करने पे? पाँच दुने दस, सात दुने चौदह, तीन हो गया 42, यानी 420 हो गया। तो देखिए इसके एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ कितना आ गया? दो आ गया। कितना आ गया? तीन आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में चला आया होगा, और मैंने जो आपको अभी समझाया कुछ एग्जाम्पल वो भी आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट वाले मैथ के तरफ। बस ज़्यादा नहीं, चार पाँच और बचा हुआ है, फिर ये चैप्टर पूरा पूरी फिनिश हो गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि क्रैश कोर्स में मेरा हर एक वीडियो जो है एक चैप्टर में ख़त्म करवाऊंगा आपको, एक घंटा से लेकर सवा घंटा में। तो आपको इतना देखना ही पड़ेगा अगर आप सही में सीखना चाहते हो तो, क्योंकि देखिए मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है कि अभी स्टूडेंट के टाइम में, मतलब कि अभी स्टूडेंट के लाइफ में और उनके माइंड में भी क्या चल रहा होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे तो मैं एक दिन उसके ऊपर भी डिस्कस कर दूंगा कि अभी के टाइम पे स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन बढ़ गया। मैं इतना फास्ट ही बोलता हूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता। कोई स्लो बोलने का दवा है बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल में ये बोला गया है, सुनिएगा ध्यान से, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। दो संख्या का मासा दिया हुआ है 5, और दो संख्या का देखिए यहाँ पे लासा दिया हुआ है 20, और दोनों संख्या में से देखिए आपको दिया हुआ पहली संख्या वो दिया हुआ है 5, तो बताना है कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया था एक फॉर्मूला, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, उस फॉर्मूला में हम जानते हैं कि लिखिएगा आप यहाँ पे क्या जानते हैं, मासा गुना लासा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब जैसे भी आप करिए पहले इसको ऐसे में लिखते हैं, ठीक है, घुमा के लिखते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मासा गुना लासा हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, दूसरी संख्या हमको पता ही नहीं है, इसको उतार लेते हैं दूसरी संख्या, तो गया 5 गुना दूसरी संख्या बराबर हो गया मासा, मासा हो गया 5, लासा हो गया 20। यहाँ से निकालना है आपको दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 नीचे चलाएगा ना, तो 5 गुना 20 ये हो गया, बटा में आ गया 5, कितना आंसर आया, 20 आ गया। बस कितना आसान था। अब देखिए क्वेश्चन और समझिए। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का मासा देखिए दिया हुआ 12, कितना है 12 है, लसा देखिए यहाँ पे दिया हुआ 96, और उसमें से दूसरी संख्या देखिए दिया हुआ यहाँ पे 24, और आपको निकालना है कि पहली संख्या क्या हो जाएगी। अब बताइए कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम चीज़ मैंने आपको क्या समझाया था, आपको ध्यान में ये रखना कि दिया क्या क्या गया है, मासा लसा पहले दूसरे, अगर इशारों नाम अगर दिया हुआ है तो समझ जाइए कि आपके लिए ये फॉर्मूला ही यूज़फुल होगा यहाँ पे। तो पहली संख्या हमको निकालना है तो इसको लिख देना पड़ेगा यहाँ पे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 24 दिया हुआ है, मासा कितना है 12 है, और लसा कितना 96 है, हो गया। यहाँ से निकाले पहली संख्या, तो जाएगा ये पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 गुना 96 और नीचे में आ गया 24। अब काटिए और क्या, तो 24 चौके 96 कट गया, 12 चौके हो गया 48, यानी कि दूसरे पहली संख्या कितना निकल के आ गया, 48 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहीं पे एक सवाल और भी दे सकता है क्या, समझ में आ रहा है ना, बताते जाइएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, हाँ देखिए ये दिया हुआ है, इसको ज़्यादा नहीं क्या है कि 96, और देखिए सवाल भी पूरा पर नहीं लिखा गया, सीधे बोल रहा 96 और 404 का मौसम पर 4 है, ये नहीं बोला गया कि पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404 है, अब वो खुद समझना पड़ेगा। खाली बोला गया कि 96 और 404 का मौसम पर 4 है, तो 96 हो गया पहली संख्या,
404 होगी दूसरी संख्या, तो 96 और 404 का जो पहली संख्या कितना है, लस मसा दिया हुआ 4 है, तो मसा 4 हो गया, निकालना है लस। देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड देखिए ना, 14 नंबर देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन दोनों देखिए सेम ही है ना, तो निकालना है लस निकालना है, तो लिखिए पहली संख्या कितना हो गया 96 हो गया, दूसरी हो गया कितना 404 हो गया, मसा कितना हो गया 4 हो गया, लसा निकालना है। अगले क्वेश्चन में देखे था कि लसा दिया था, मसा निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, अब लसा को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लसा बराबर 4 इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 96 गुना 404 बटा में कितना होगा 4, लगाइए भाग, कटेगा एक से एक बार में कितना गया 96 आपका क्या हो जाएगा, लसा पर निकल के चला है, समझ गए। इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लीजिए, उसमें ये बोला गया है ठीक है, उसमें देखिए ये बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है। अब यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बोला गया, ये नहीं बोला गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या, तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1024 है, तो हमको इस पूरा के बदले में क्या लिखना पड़ेगा 1024 लिखना पड़ेगा ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मसा पर दिया हुआ है 10, निकालना है लसा पर, यानी 8 दिया हुआ इस क्वेश्चन में, निकालना लसा पर, तो मसा पर हो गया 8, लस निकालना लसा पर, या दोनों के बदले दिया हुआ 1024, अब यहाँ पे 8 से लगा दीजिए भाग, तो कितने बार कट जाएगा ये 8 × 8 हो गया, और 12 22 हो गया, तो हो गया 8 × 16 हो गया, और फिर 64 हो गया, 128 क्या हो गया आपका, ये एलसीएम निकल के चला आ रहा, समझ गए। अब बढ़िए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अब आपको ये बताना है कि जो प्रसार है दशमलव प्रसार, वो आपका शांत होगा कि शांत होगा। एक और बात फ्रेंड्स, कि जो वास्तविक संख्या जो चैप्टर आपका दिया हुआ है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके पूछता है, तो देखिए सवाल में क्या है, सवाल में है 7/80, आपको बताना है कि जो 7/80 है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या वो अशांत प्रवृत्ति का होगा, शांत या अशांत क्या होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था इसमें, कि जब भी आपको बोले कि ये शांत है कि अशांत है, तो क्या करना, नीचे वाले को चेक करना है, और जो नीचे वाला जो है या तो 2 के गुणनफल में आना चाहिए, या फिर ये 5 के गुणनफल में आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों के गुणनफल में आना चाहिए। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर यहाँ पर चले आता है, 3 आ जाता है या 4 या कुछ भी अगर आ जाता है, तो समझिए कि आपका ये मैथ गलती हो जाएगा, मतलब कि ये कभी भी कटेगा ही नहीं, तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 और 5 के गुणनफल में आता है, 2 के गुणनफल में आता है या 5 के गुणनफल में आता है, तो ये पूरा पूरी शांत ही कहलाएगा। चेक करते हैं, देखिए 80 का निकालिए, तो 80 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेक कीजिए, 2 से 40 हो गया, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 हो गया, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 5 हो गया, हुआ ना 5। अब देखिए यहाँ पर जितना भी नंबर दिया हुआ उसमें क्या है, 2 है और 5 है, तो बोल सकते हैं कि इसका जो प्रसार है वो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, समझ गया। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर ये लेके चलते हैं, एक ये वाला देखिए 12/165 ठीक है, यहाँ पे करते हैं, तो नीचे वाले को सॉल्व करना है ना सिर्फ, तो 5 से 12/165 कितना आ गया, 5 × 15 हो गया, और यहाँ पे फिर 5 × 15 हो गया, तो यह 33, यानी कि 5 × 3 × 11 हो जाएगा नीचे वाले का गुणनखंड। अब यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ गया, देखिए 5 तो आ ही रहा है, तो ठीक है, लेकिन 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 और 11 आ रहा है, जो कि रूल के खिलाफ है। रूल आपको कहता है कि 2 और 5 होना चाहिए या फिर सिर्फ वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा में 3 और 11 भी आ गया, तो क्या ये इसका प्रसार जो होगा शांत होगा, क्या शांत होगा इसका प्रसार, नहीं होगा, क्या होगा इसका प्रसार, वो हो जाएगा आपका अशांत, यानी कि अशांत प्रवृत्ति का हो जाएगा, समझ गए, बहुत अच्छा। अब 3 मैथ और बचा हुआ है, कितना टाइम हो रहा है देख लेते हैं, 44 मिनट्स, 44.5। देखिए जो आपके एग्जाम में पूछेगा ना, मैं आपको सिर्फ वही समझाऊंगा, जो एग्जाम के बाहर पूछेगा वो आपको कभी समझाऊंगा ही नहीं, और अगर मन किया तो समझा भी सकता हूँ,
सब मन पर डिपेंड करता है ना। लेकिन हाँ, इतना विश्वास रखिए, इतना विश्वास रखिए कि मैं आपको इतना स्ट्रांग करवा दूंगा मैथ में इस एक महीना में, नवंबर के महीने में आप इतना मैथ में स्ट्रांग बन जाएंगे ना, कि आप फिर आकर के कमेंट करेंगे कि हाँ सर आप कमाल के पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि दशमलव में चेंज करना है। ठीक है, 13/125। तो एक आपको पता है वो अच्छे से कि दशमलव में जब चेंज करने बोला गया तो कैसे चेंज करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग लगा देना है। अगर नहीं कटता है, अगर काफ़ी बड़ा नंबर आता है तो छोटा करने का पहले कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि किसी नंबर से दोनों को काटना है, क्या ये कटता है कि नहीं। एक कट जाता है 7 बार में, एक कटता 10 बार में 5 का पहाड़ा से 7/10 हो गया। अब 10 से 7 को भाग लगा दीजिए, इंशाल्लाह आपका दशमलव में चला आएगा। तो मैंने आपको यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर नीचे में 0 आए, मतलब कि 10 आए, 100 आए, 1000 यानी कि 0 अगर आ जाता है, तो उस केस में आपको ये देखना है कि नीचे में कितना 0 दिया हुआ है। तो नीचे में देखकर दिया हुआ 1 0, तो ऊपर में एक अंक के पहले यहाँ पे क्या लगाना, पॉइंट लगा देना, यानी यहाँ पर 0.7 हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 13/125 है, तो देख रहे तो छोटा होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं 125 से भाग लगाते हैं 13 को। क्या कटेगा ये? नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट और यहाँ लगा देंगे 0। अब तो कटेगा ये, तो यहाँ पे आएगा एक बार में हो गया 125, कितना हो गया 5 बचा, ये देखिए हो गया कट के 0 हो गया, ये भी कट गया, तो 0.1 आ गया। और दशमलव के बाद आपको 3 अंक तक लेके चलना है, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, कटेगा ही नहीं, तो 0 और उतारेंगे यहाँ पे, धीरे पर आपको ये कट जाए तो उसके लिए 0 उतारना पड़ेगा। अगर पहला बार उतारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा बार जो 0 उतारेंगे तो आपको उसके लिए यहाँ पर 0 बैठाना पड़ेगा। इसको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसमें भी अधिकतर लोग अटकते हैं। अभी हो गया 4 और कट गया 1500, कितना आ गया 104 आ गया, खत्म। समझ गया ना। अब देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए समझाया क्योंकि इसके आगे जो देखिए दिया हुआ सवाल में वो आपके एग्ज़ाम में पूछता है, ये पूछे या ना पूछे आपके एग्ज़ाम में वो जरूर पूछेंगे। देखिए ये वाला 0.6 पर देखिए बार लगा दिया, बोल दिया कि इसको आपको दशमलव में चेंज करना है। फिर देखिए यहाँ पर लेके चलते हैं 2.66 बार लगा दिया है, फिर यहाँ पर देखिए लेके चलते हैं 3.246 है, और यहाँ पे दोनों के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, तो अगर देखें यहाँ पे जब बार जब दिया गया है, अब यहाँ देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है कि जिसके ऊपर बार है, यानी जितना भी नंबर के ऊपर बार लगा रहेगा, सुनिए ध्यान से, दशमलव के बाद जितना भी नंबर के ऊपर ये वाला बार लगा रहेगा उतना हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 6 है, यानी एक ही नंबर दिया हुआ, और यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक नंबर के लिए हम यहाँ पे 109 लिखेंगे। क्या इसके अलावा और कोई नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दशमलव के बाद? नहीं दिखाई दे रहा, तो कुछ नहीं लिखना, हो गया नीचे 9 लिखा गया। अब इस नंबर को यानी कि दशमलव को भुला दीजिए कि आपको दशमलव भी है, दशमलव को हटाने के बाद क्या बचता है 0 6, तो 0 का तो कोई वैल्यू होता तो है नहीं, सिर्फ 6 बचता है, उतारेंगे 6 और घटा देना, किसको घटा देना है जो दशमलव के पहले है। दशमलव के पहले क्या है 2 0 है, कितना 6 ही ना आएगा, 6/9 हो गया। अब काट के छोटा कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2/3 हो गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। और आपको सवाल में बोल रहा है कि इन सभी को भिन्न में चेंज करना, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आने ही आने वाला है, समझ गए। अब यहाँ देखिए क्या ये कैसे बनेगा यहाँ पे, तो क्या देखना दशमलव के बाद कितना अंक देखे दिया हुआ है, तो दशमलव के बाद देखे 2 अंक देखे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 अंक के लिए और दोनों अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जिसके ऊपर बार लगा रहेगा उतना ही हमको 9 लिखना है। यहाँ पे 2 अंक के ऊपर ही बार लगा हुआ था, आपको दोनों अंक के लिए यहाँ पे 2 9 लिखना पड़ेगा, लिख दिए। अब क्या करना है दशमलव को हटा करके पूरा नंबर को उतार देना है, उतार दिए। उतारने के बाद क्या करना है कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा देना है। देखिए बार 2 के ऊपर नहीं लगा हुआ तो 2 को यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये 264 बाय में आएगा 99 हो गया आंसर। आप इसको भाग लगा के देख लीजिए, देखिए आपको इतना ही आने वाला है 2.6। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन में आप कितना करते जाऊँगा। देखिए
तो 99 गुनी होता है दो, कितना हो जाएगा 198, ठीक है, तीन बार में तो 270 के कुछ ऊपर आएगा। 14 में 8 या बचेगा 6, 15 में 9 या बचेगा 4, 9 से 15 होता है 6 होगा, कट गया पूरा पूरी, 0 उतारेंगे आ गया पॉइंट यहाँ पर। अब कितना बार बचाएगा ये, तो 6 देखे था, अब 6 चेक करता है, 6 नौ 54 हो गया, बचेगा 5, 54 हो गया 59, वन 6 बार कितना हो गया 594 आ गया यहाँ पर, 10 में 4 6 बचेगा, 15 में 9 का 6 बचेगा देखिए, तो 12 में देखिए सेम आ रहा है ना, 12 6 आएगा ना, देख रहे ना, यानी हम लोग जो ये सॉल्व किए इस तरीके से कि पहले जिसके ऊपर बार है उतना 9 नीचे लिखना है, फिर पूरा नंबर उतार देना है, फिर जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा देना है, ये आपका क्या हो जाएगा भिन्न में चिन्ह हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बार वाला सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी सेम फंडा है, थोड़ा बढ़ा दिया तो क्या हो गया, देखिए दशमलव के बाद जितना भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो उतना 9 लिखना है नीचे में, लेकिन दशमलव के बाद देखिए जो 2 है उसके ऊपर तो बार लगा ही नहीं है, तो दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उसके लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है, जितना के ऊपर बार है उसके लिए 9 लिखना है और जितना के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखना है। अब पूरा नंबर को उतारेंगे यहाँ पर 3246 माइनस, किसको माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो देखिए 3 के ऊपर भी बार नहीं लगा हुआ है और 2 के ऊपर भी बार नहीं लगा हुआ है, तो कितना हो गया 32 हो गया, घटाइए कितना का 32 घटाने पे, तो यहाँ पे आएगा 23, यहाँ बचेगा 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 14, 32 14 बचेगा 990 हो गया आंसर, सब भिन्न में चेंज हो गया, समझे। अब एक यहाँ पे देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, शायद इस पर पूछ भी सकता है कि सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या, ऐसे सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, तो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाइए, और हाँ प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर मैं जब आपको फिर सेट सॉल्व करवाऊँगा तो फिर वहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो ही चुका रहेगा, तो आप जब तो फिर जब मैं आपको सेट सॉल्व करवाऊँगा तो आप मुँह से आंसर देना शुरू कर दोगे सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और गर्ल भी यहाँ पे लगा दीजिए कि प्रैक्टिस मेक्स गर्ल्स परफेक्ट, है ना, बॉयज़ परफेक्ट गर्ल्स परफेक्ट, जिसको भी आप जो भी इंसान करेगा प्रैक्टिस वो इंसान परफेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट वो भी देख लीजिए, बुक में थोड़ा सा बड़े लेवल से देखे दिया हुआ रहता तो उतना बड़े में नहीं जाना, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। आपको एग्जाम में क्या करना है कि आपको जो भी पसंद आएगा आप उससे बनाइएगा ना, अगर आपको मेरा मेथड समझ में आता है तो आप उससे बनाइए, और अगर आपको अपने टीचर का मेथड समझ में आता है तो आप उससे बनाइए, ठीक है, उसमें कोई दोराई नहीं है, आपको जो भी पसंद आता है वही बनाइए, आए बात समझ में। लेकिन हाँ, आप कोई भी तरीका लगाएंगे, आप ये मेरा तरीका लगाइए या फिर आप अपने टीचर का तरीका लगाइए, या तो आप एक पेज का तरीका बनाइए या फिर आप 2 पेज का तरीका से बनाइए, अगर आपका सही बना हुआ रहेगा तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा जितना नंबर का वो एग्ज़ाम क्वेश्चन दिया हुआ है, तभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शॉर्ट में चलना है कि लॉन्ग में चलना है, क्योंकि शॉर्ट में मैं आपको थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट बताने वाला हूँ, लॉन्ग ही रहेगा वो, देखिए ध्यान से, देखिए कि मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ सवाल में, कि यहाँ पे बोला गया है कि सिद्ध करें, यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि सिद्ध करें कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, क्या है, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है ना, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, आपको ये सिद्ध करना है। यहाँ पर रूट टू भी बोल सकता है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, रूट सेवन अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहला काम देखिए यहाँ पे करते क्या हम, हमेशा जब भी सॉल्व करना रहेगा तो क्या करेंगे, उल्टा मान के चलते हैं, तो मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कि माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अब बोलेंगे हम लोग उल्टा क्यों माने सर, बोलेंगे ना कि हम लोग उल्टा क्यों माने, तो उल्टा इसलिए माने क्योंकि हमको सीधा प्रूफ करना है। अगर कोई देखिए ये बोलता है कि मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ, तो इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मैं बाएं हाथ से नहीं लिखता हूँ, तो यदि मैं बाएं हाथ से नहीं लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ, आ रहा बात समझ में, मतलब कि एक ही बात को दो तरीके से बोला जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, इसको उल्टा मान लिया कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। अब हम जो मान के चल रहे हैं कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, अगर मेरा माना हुआ चीज़ गलती साबित हो जाता है तो बोले कि हाँ एक अपरिमेय संख्या, तभी ना हम जो माने गलती है वो, समझे, बस यही आपको दिखाना है कि हम जो मान रहे हैं वो गलती मान के चल रहे हैं,
हो गया मान लिए, और जो भी परिमेय संख्या होता है उस परिमेय संख्या को हम p by q के रूप में दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं ना, ठीक है। तो देखिए, तो जो भी परिमेय संख्या होता है उस परिमेय संख्या को हम p by q के रूप में लिखते हैं, तो p by q कितना होगा, रूट फाइव हो गया, हुआ ना। इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का मन है तो अच्छा करते बाद में, पता ये समझिए। तो यहाँ पे काम करते हैं, वर्ग कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p बाई क्यू है तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, रूट है तो रूट कट जाएगा पांच, क्रॉस में गुणा कर देते क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर फाइव क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो समझिएगा ध्यान से, क्या समझना है, q जो है वो पांच से देखिए गुना किया हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो q है वो पांच से कटेगा, क्योंकि जो संख्या पांच का गुणनफल में है वो संख्या पांच से कटेगा ही कटेगा, समझे। अब इसका अगर आप स्क्वायर भी करते हैं तो भी वो संख्या पांच से कटेगा ही कटेगा, जैसे मान के चलते हैं पंद्रह, तो पंद्रह जो है पांच से कटता है, कट जाता है, तो मान के चलते कि जो q हो गया वो पंद्रह हो गया, तो पंद्रह पांच से कट जाता है, जानते अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ q का स्क्वायर यानी पंद्रह का स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या पंद्रह का स्क्वायर 225 होता है, तो क्या 225 पांच से नहीं कटेगा, वो भी संख्या पांच से कट जाएगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको समझना है, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि ये परिमेय संख्या बोल रहा है और हम लोग परिमेय संख्या लेके चल रहे हैं, हम लोग का सवाल में क्या बोला गया, सवाल में तो बोला गया परिमेय संख्या, हम लोग लेके चल रहे हैं परिमेय संख्या, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि संख्या तो पांच से कट जाता है, और अपरिमेय संख्या का शर्त क्या है कि वो संख्या एक से और खुद से कटना चाहिए, ये ना डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, अपरिमेय संख्या का एक का एक डेफिनेशन ये भी है, बहुत सारे डेफिनेशन है, उसमें एक परिभाषा ये भी है कि जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे वही कहलाता है क्या, अपरिमेय संख्या कहलाता है, लेकिन यहाँ पर तो खुद से और एक के अलावा तो पाँच से कट जाता है ये, जो कि सबसे अलग है, तो यही चीज़ हम लोग गलती हो गया ना, ऐसी गलती हो गया, इस कारण से क्या हो जा रहा, जो q है भी पाँच से कट जाता है, इस कारण से बोल सकते कि अपने आप में क्या है, एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, और ये विरोधाभास ये कहलाता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए लास्ट में आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, है ना, जहाँ पी जो है पी क्या है, पाँच से विभाजित है, ठीक है, जो पी है वो पाँच से विभाजित है, तथा Q जो है ये भी क्या है, पांच से विभाजित है, ठीक है। फिर ये लिखेगा कि अतः हो गया ना कि P जो है पांच आसन, ठीक है, नहीं यह थोड़े कहाँ लिखना पड़ेगा लास्ट में, यह अपने आप में विरोधाभास है, ठीक है, इसीलिए यह मानना गलत होगा, यह मानना गलत होगा कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो गया, ठीक है, लिख देता हूँ, रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है प्रमाणित या प्रूफ यहाँ पर लगा दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये मैथ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि देखिए इस आज का क्रैश कोर्स का जो डे वन था इसमें मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट सिखाया, जितना भी मैंने आपको मैथ समझाया, आई होप कि वो आपको अच्छे से बारीकी से सभी समझ में अच्छे से आ ही गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको फटाफट वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, इसी बहाने मेरा भी थोड़ा कुछ फॉलोअर बढ़ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा, और वहाँ पे आप जो भी सवाल मुझसे पूछते हैं आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत ना हो जाता है, यहाँ पे मैंने देखा कि स्टूडेंट लोग जो है
यूट्यूब के कमेंट में कमेंट तो करते हैं कि सर मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि मुझसे बात कैसे करनी है, कहाँ पर हो पाएगा। तो उन लोगों के लिए एक अच्छा बात है कि मेरे इंस्टाग्राम का वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, आप क्लिक कीजिएगा, फॉलो करके आप वहाँ पे मुझसे जो भी चैट कर सकते हैं आप कीजिएगा, जो भी क्वेरी है, जो भी कुछ पूछना है आप मुझसे बात कर सकते हैं, सब बात की एक बार। और अगर आपको फ़ोन से बात करना तो मैंने आपको समझा दिया था पहले ही कि डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में नंबर दिया हुआ है, अब अगर आपको नहीं होता है तो आप इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो आज समझाया आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो अब आप कीजिए इतना को प्रैक्टिस, और अब मैं चलता हूँ आपके लिए सेकेंड डे का, यानी कि जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड क्रैश कोर्स का जो दूसरा चैप्टर है वो मैं आपको समझाऊंगा कल के वीडियो में, ठीक है। जब तक आप कीजिए प्रैक्टिस और अच्छे से कीजिए मेहनत, बाकी मैं आपके साथ हूँ। बाय बाय, राधे राधे।